इस वर्कशॉप के दौरान जितने अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के हों, एडमिनिस्ट्रेशन के हों, रेवेन्यू के हों, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के हों, आर्मी, एयरफोर्स, NDRF, सब लोग यहाँ मौजूद हैं, उन सब का एक जिम्मेवारी रहता है। और उसके अलावा सबसे बड़ा जो कॉमन मैन, आवाम, जो अपने घर पे जिसको आपदा का सीधा मुकाबला करना पड़ेगा, उनका क्या कैपेसिटी होना चाहिए, क्योंकि मदद एकदम बाहर से गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, उसमें समय लगता है। सबसे पहले जान आपने अपने घर में अपनी बचानी है, अपने पड़ोसी की बचानी है, अपने मोहल्ले की बचानी है, फिर गवर्नमेंट की मशीनरी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम इस वर्कशॉप के दौरान शामिल करेंगे। J&K के हैज़र्ड वल्नरेबिलिटी क्या हैं, किस प्रकार हम नेशनल लेवल में इसको ऑर्गेनाइज़ किया हम लोगों ने, उसमें NDMA, SDMA, DDMA का क्या रोल है, और जितने और डिपार्टमेंट हैं उनका क्या रोल है, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, एक मिलिट्री तरीके से हम जो रिस्पॉन्स करते हैं वो कैसे रहेगा, कम्युनिकेशन कैसा रहेगा, इसके अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे काम करेंगे।